ओके गिरे ना बेबे, पकड़ो पकड़ो। कुछ याद आया? नहीं। अब अभी भी नहीं। जी तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही पुराना खेल और मशहूर खेल गोलियों की, जो कि बचपन में हर गली कूचे और मोहल्ले में खेला जाता था और तकरीबन सब लोग ही इस खेल से वाकिफ़ होंगे। तो आज हम बचपन को दोबारा से याद करते हैं, यादें दोबारा से ताज़ा करते हैं। आज का व्लॉग इसी ही खेल पर मबनी है। तो चलिए बग़ैर किसी ताखीर के हम मिलते हैं आपसे गोलियों के होम ग्राउंड में। चलें फिर, आ जाओ। कोरोना की वबा खांसने और छींकने के अलावा इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करने से भी फैल सकती है, लिहाजा आप इस वबा से बचे रहें और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स हरगिज़ मत करें। शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं बच्चों के होम ग्राउंड में, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि क्या बच्चे ग्राउंड में मौजूद हैं कि नहीं है। जैसे बड़े हमारे ऊपर हर बार इस्तेमाल करते थे। चलें अब मैं दीवार की तरफ से एक दफ़ा नज़र सानी कर लूँ, क्या बच्चे ग्राउंड में मौजूद हैं कि नहीं। जी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, इट्स मीन कि हमारा शिकार इस टाइम यहाँ पर मौजूद है। हम इस तरह ही अपने शिकार को देखेंगे जाकर, जैसे हमारे बड़े हमें जाके पकड़ा करते थे और वहीं से धुलतियाँ मारकर हमें घर ले कर आया करते थे। जिस टाइम शिकार हमारे रेडी हैं, छोटे बड़े जितने भी बॉयज़ हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलें जी इनका जाके सामना करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे डरते हैं जैसे हमारे बड़े हमें ट्राई करते थे। चलें जी। लो जी अब हम अपने मिशन पर निकल पड़े हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, बच्चे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि बड़े हमें पकड़ा करते थे, आज हम भी वही कार्रवाई इनके साथ करेंगे। बस जी अब यहाँ पर चुप करके मैं घात लगा के बैठा हूँ और जनरल रिएक्शन आपको दिखाएंगे, जो कि रिएक्शन हमें अपने बचपन में देखने को मिलता था। ऐसे ही इनके ऊपर धावा बोलेंगे और वो आपको शो होगा जो हमें होता था। देखते हैं, पकड़ो पकड़ो। देखा आपने, बड़ी मुश्किल से इन बच्चों को दोबारा पकड़ा है। अगर ये चले जाते तो आज का हमारा व्लॉग रह जाता। जिस मकसद से हम यहाँ पर हाज़िर हुए थे वो मकसद हमारा सारा नाकाम हो जाता। तो अभी भी कुछ बच्चे इस हवाले से देख रहे हैं कि कहीं पकड़ के ना ले जाए हमें, या फिर वीडियो बनाकर किसी हमारे रिलेटिव बंदे को ना दिखा दे। तो हमें रियलिटी भी देखनी है और इसलिए हम चुप करके, मैंने खुद कहा इनको कि आप खेलते रहें, मैंने सिर्फ आपकी वीडियो कैप्चर करनी है। तो देखते हैं मज़ीद, जिस तरह के ये एक ग्राउंड रियलिटी हुआ करती थी, वैसे ये बच्चे इस टाइम ये दोनों आपस में जो नंबर टर्न होती है हमारी कि पहले किसका नंबर होगा गोलियाँ फेंकने का या खेलने का, इस टाइम वो मोमेंट दिखाया जा रहा है आपको। जी तो अभी इन्होंने अपनी टर्न कंप्लीट की है, जिसका नंबर पहले आएगा उसने अब अपनी चाल चलनी है। इसको हम चाल का नाम देते हैं और ये पिल्ली में जितनी गोली जो गोल दायरा बना हुआ है इसे पिल्ली बोलते हैं, और जो चीज़ें जो गोलियां बाहर पड़ी होती हैं उस पर आपने अपना निशाना कंप्लीट करना होता है। अब ये देखें जो इसकी दूसरी टर्न थी, ये अपना निशाना कम्प्लीट कर रहा है और ये निशाना कम्प्लीट लगा और उसके बाद उसने गोली अपनी ले ली होंगी। इसके बाद सेकेंड टर्न आई है दोबारा से और इसका निशाना देखते हैं कि क्या बनता है इसके निशाने पर, और ये भी निशाना ज़बरदस्त हुआ। कुछ ऐसे पॉइंट भी होते थे जहाँ पर इस तरह के बच्चे रोंदी रोते थे, जिसको हम रोंदी ही बोला करते थे। और मैं आपको बताते चलूँ कि वीडियो में ज़रा हाइड करके बाद में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि इन बच्चों के जो रियल फेस है वो नज़र आ सके।
तो इसलिए आप इस चीज़ को नोट मत कीजिएगा। और मज़ीद आपको दिखा देते हैं, ये पीली का जो साइज़ होता है वो, और इसके बाद जो बच्चे की इस तरीके से जो गेम है मज़े चलते हैं। तो खैर ये सब ये चीज़ें वो बातें हैं जो हमें बचपन में देखने को मिलती थी। और इसके बाद ये एक इवेंट था कली जुट के नाम से, जिसमें नक्का भी और नक्का और दुगाड़ा आई थिंक उसको कहा करते थे, ये इस टाइम वो खेल रहे हैं, जिसमें सिंगल या डबल का सिनेरियो उसमें देखा जाता था। तो खैर अभी काफ़ी कुछ चीज़ें जो थी वो मेरे माइंड से भी स्किप हो चुकी हैं, लेकिन ये खेल इस वक्त तक हमारे माइंड से स्किप नहीं हो चुका, चाहे इसके नाम स्किप हो गए। और ये देखें जैसे ये छुपा रहा है गोलियों को, इसने गोलियों को शो करवाना बाद में जी। तो नाजरीन ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा और अपनी यादें ताज़ा कराता रहेगा, इसी को देखकर हमें एक सॉन्ग याद आ जाता है फिर। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, मेरे पिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे पिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी भूल ना दे कोई। किस चीज को अपना बचपन याद आया, जिस जिसको अपना बचपन याद आया वो कमेंट सेक्शन में अपना लाजमी बताइएगा कि हमें अपना बचपन याद आया है या नहीं आया, और किस किस ने गोलियों की वजह से मार खाई है। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपनी राय लाजमी दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपकी राय के मुताबिक बनाई जाएगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कितने अच्छे थे दिन मेरे बचपन के दिन, कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे